लेसन 12 क्रिएटिंग मास्टर। इस चैप्टर में हम अकाउंट एंड आइटम मास्टर क्रिएट करने के बारे में जानेंगे। अकाउंट और आइटम मास्टर वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मास्टर हैं बिजी में। आप देखेंगे किसी भी तरह की ट्रांजेक्शन्स हो, पार्टी मास्टर यानी कि अकाउंट पार्टीज और आइटम्स आप उसमें जनरली यूज करेंगे ही। इसके अलावा जो हमारे मास्टर हैं वो फर्दर हम चैप्टर्स में आगे जो चैप्टर्स आएंगे उनमें डिस्कस करेंगे। इस चैप्टर में केवल हम अकाउंट और आइटम मास्टर डिस्कस करेंगे। बाय डिफॉल्ट कंपनी क्रिएशन के टाइम पे बिजी काफी सारे अकाउंट मास्टर्स क्रिएट करता है, जैसे कि आपके एक्सपेंस अकाउंट, कैश अकाउंट, रेवेन्यू अकाउंट, इस तरह के अकाउंट्स बिजी क्रिएट करता है। इसके अलावा जो आपके पार्टी अकाउंट्स हैं, बैंक अकाउंट्स हैं, जो इंडिविजुअली या सेपरेटली आप क्रिएट करेंगे वो आप बिजी में कर सकते हैं। आइटम बेसिकली रेफर करता है वह आइटम्स और गुड्स जिनमें कि आप डील करते हैं, तो उनके लिए भी आप आइटम मास्टर क्रिएट करेंगे, यानी कि जो जो आइटम्स आप यूज करते हैं उनके लिए आइटम मास्टर क्रिएट करेंगे। अकाउंट मास्टर क्रिएट करने के लिए हम सबसे पहले एडमिनिस्ट्रेशन मेन्यू में जाएंगे। यहाँ पे मास्टर्स मेन्यू में जब हम गए तो आप सबसे पहले स्क्रीन पे लिस्ट ऑफ मास्टर्स देख सकते हैं कि यह सारे मास्टर्स बिजी में प्रोवाइड करे गए हैं। इस चैप्टर में हम हालांकि अकाउंट और आइटम ही डिस्कस करेंगे, फर्दर चैप्टर्स में हम बाकी के मास्टर्स जो है डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मास्टर्स में ही अकाउंट ऑप्शन में गए, अकाउंट में हम ऐड ऑप्शन में गए। यहाँ पे देखिए ऐड अकाउंट मास्टर स्क्रीन जो है नजर आ रही है। इसमें सबसे पहले आप अकाउंट का नाम बताएंगे, जैसे अभी हम अपने किसी पार्टी के लिए ये अकाउंट मास्टर क्रिएट कर रहे हैं तो हमने पार्टी का नाम बताया, एलियास यानी कि पार्टी का कोई एलियास आप बता सकते हैं, प्रिंट नेम एंड देन इज ग्रुप, वेरी इंपॉर्टेंट कि ये पार्टी किस ग्रुप के अंडर फॉल करती है। आपको ध्यान हो हमने इससे पहले वाले चैप्टर में अकाउंट ग्रुप क्रिएशन के बारे में जाना था, वही अकाउंट ग्रुप्स अब हम यहाँ पे यूज करेंगे। हमने हालांकि यहाँ पे अकाउंट ग्रुप लिया है सन्ड्री डेटर्स, यदि आपको याद हो नॉट डेटर्स, साउथ डेटर्स, इस तरीके से हमने ग्रुप बनाए थे तो वह भी आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। एंड देन इज ओपनिंग बैलेंस कि लास्ट ईयर का जो क्लोजिंग बैलेंस यदि कोई है तो वो आप यहाँ पे एज ओपनिंग बैलेंस इस ईयर में स्पेसिफाई कर सकते हैं। एंड दैट इज अ डेबिट बैलेंस और अ क्रेडिट बैलेंस। देन इज प्रीवियस ईयर बैलेंस। अब आप यहाँ सोच रहे होंगे कि प्रीवियस ईयर बैलेंस जो क्लोजिंग बैलेंस है और इस साल का ओपनिंग बैलेंस सेम होगा, तो यस ये बिल्कुल सेम होगा, यहाँ पे आप चेंज भी नहीं कर सकते। यह वैल्यू आप चेंज सिर्फ रेवेन्यू अकाउंट ग्रुप्स के केस में चेंज कर सकते हैं। उसके बाद पार्टी का एड्रेस बताएंगे, 4 लाइंस यहाँ प्रोवाइड करी गई है एड्रेस बताने के लिए। देन इज कंट्री, किस कंट्री में ये जो है पार्टी किस कंट्री को बिलोंग करती है। एंड देन स्टेट और प्लेस ऑफ सप्लाई। स्टेट एंड प्लेस ऑफ सप्लाई जीएसटी के केस में काफी इंपॉर्टेंट है, तो आप यहाँ पे स्टेट सिलेक्ट करेंगे। एंड देन आप चाहें तो उस स्टेट को मॉडिफाई भी कर सकते हैं ऑल्ट एम की यूज करके। स्टेट आप देख रहे हैं स्क्रीन पे कोड उसका आ रहा है, यदि आप कोई चेंजेस करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। देन आप बताएंगे टाइप ऑफ डीलर कि किस तरह का ये डीलर है, जीएसटीआईएन नंबर बताएंगे, आधार नंबर, IGPAN, ईमेल, टेलीफोन नंबर, पार्टी से जुड़ी बेसिकली ये डिटेल्स बताएंगे। मेंटेन बिल बाय बिल बैलेंसिंग, क्योंकि बिल बाय बिल बैलेंसिंग आप इसके लिए मेंटेन करना चाहते हैं। आपको ध्यान हो हमने फीचर्स ऑप्शंस में बिल बाय बिल का फीचर डिस्कस किया था। उसके बाद क्रेडिट डेज सेल और परचेज के लिए कितने देने हैं इस पार्टी को वो आप बताएंगे। एंड फर्दर जो भी डिटेल्स हैं वो आप स्पेसिफाई करेंगे, कोई डिफॉल्ट सेल टाइप या परचेज टाइप आप पार्टी के साथ टैग करना चाहते हैं कि जब भी ये पार्टी यूज हो तो ऑटोमेटिकली ये सेल टाइप या परचेज टाइप ट्रांजेक्शन में आ जाए। हालांकि सेल टाइप और परचेज टाइप का कंसेप्ट अभी हम कवर करेंगे आगे के चैप्टर्स में। तो इस तरह से पार्टी से जुड़ी डिटेल्स आप बताएंगे एंड सेव बटन प्रेस करेंगे पार्टी मास्टर को सेव करने के लिए। पार्टी को सेव करते ही देखिए बिल बाय बिल बैलेंसिंग की विंडो अपीयर हुई, क्योंकि हमने बिल बाय बिल बैलेंसिंग एनेबल करा हुआ था। तो यहाँ पे जो आपका ओपनिंग बैलेंस है उसके लिए आप अलग अलग बिल्स या रेफरेंसेस क्रिएट कर सकते हैं और उनकी ड्यू डेट बता सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट हम एक और अकाउंट मास्टर क्रिएट करेंगे, ये हमारा बैंक अकाउंट मास्टर होगा। यहाँ पे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हमने अकाउंट नेम बताया, एलियास हमने SBI बताया, उसके बाद प्रिंट नेम, ग्रुप हमने यहाँ पे बैंक अकाउंट सेलेक्ट किया, ओपनिंग बैलेंस यदि कोई है तो हमने 25,000 रुपीज यहाँ पे स्पेसिफाई किया। देन इज टाइप ऑफ डीलर रजिस्टर्ड, बैंक का GSTIN नंबर स्पेसिफाई किया, बैंक से जुड़ी कुछ और डिटेल्स आप यहाँ बताना चाहते हैं तो वह बता सकते हैं। एंड सेव बटन प्रेस करेंगे बैंक अकाउंट मास्टर को सेव करने के लिए। सेव बटन प्रेस करते ही अनक्लियर्ड एंट्रीज चेक डिपॉजिटेड की विंडो अपीयर हुई, देन अनक्लियर्ड एंट्रीज चेक इश्यूड की विंडो अपीयर हुई, जिसमें कि हमने बताया कि 31 मार्च को ये पर्टिकुलर वाउचर नंबर एंड इस पार्टी से इतना अमाउंट जो है हमारा अभी चेक का अनक्लियर्ड है, जो तभी यहाँ पे वो बैलेंस जो है हमने एज ओपनिंग बैलेंस शो किया है, उसके लिए बेसिकली हमने एक रेफरेंस क्रिएट करी है। नेक्स्ट हम एक एक्सपेंस अकाउंट क्रिएट करेंगे। हमने अकाउंट नेम बताया ऑफिस मेंटेनेंस एक्सपेंस, ग्रुप लिया एक्सपेंसेस, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट जो भी आपको रिक्वायर्ड है वो आप ग्रुप लेंगे, हमने यहाँ इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस लिया। एंड देन इज GST टाइप कि क्या इस एक्सपेंस पे GST एप्लीकेबल है
यदि है तो आप जीएसटी एप्लीकेबल फील्ड सिलेक्ट करेंगे, जीएसटी नॉट एप्लीकेबल यानी कि जीएसटी इसमें एप्लीकेबल नहीं है, एंड देन इज नॉन जीएसटी। जीएसटी नॉट एप्लीकेबल एंड नॉन जीएसटी लगभग सेम है, बस यह फर्क है कि रिपोर्टिंग में एज इस एक्सपेंस को जीएसटी नॉट एप्लीकेबल शो करना है या नॉन जीएसटी एक्सपेंस शो करना है, तो अकॉर्डिंगली आप वो ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे। देन टैक्स कैटेगरी बताएंगे कि इस एक्सपेंस अकाउंट पे कितना जीएसटी जो है अप्लाई हो रहा है, HSN/SSC कोड, ITC एलिजिबिलिटी, इनपुट गुड्स, कैपिटल गुड्स, इनपुट सर्विसेज या नन, यानी कि इनपुट गुड्स के अंदर ये फॉल करता है, सर्विसेज के अंदर कैपिटल गुड्स हैं या फिर ITC एलिजिबिलिटी नन भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। एंड देन इज रिवर्स चार्ज की RCM जो है वो बेस्ड ऑन डेली लिमिट है, कंपल्सरी है, कुछ एक सर्विसेज के केस में RCM जो है कंपल्सरी है, सर्विस इंपोर्ट का केस है या RCM एप्लीकेबल नहीं है, तो अकॉर्डिंगली वो ऑप्शन आप सिलेक्ट करेंगे। RCM पे डिटेलिंग के लिए आप इम्प्लीमेंटिंग RCM इन बिजी वीडियो अपलोडेड है YouTube पे, उसे रेफर कर सकते हैं। यहाँ पे हमने सिर्फ शॉर्ट में बताया है कि इन ऑप्शंस का क्या मायने है, यदि आपको डिटेलिंग इसकी चाहिए तो आप YouTube पे RCM के वीडियो को रेफर कर सकते हैं। सेव बटन प्रेस करेंगे एक्सपेंस अकाउंट को सेव करने के लिए। इसके बाद हम एक अकाउंट को मॉडिफाई करने के बारे में जानेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं लिस्ट ऑफ अकाउंट्स अपीयर हो रही है जो बाय डिफॉल्ट बिजी ने क्रिएट करे थे, तो हमने लीगल एक्सपेंस अकाउंट को मॉडिफाई मोड में ओपन किया। यहाँ पे हमने इसका जीएसटी टाइप जो है स्पेसिफाई किया, जीएसटी एप्लीकेबल, टैक्स कैटेगरी जीएसटी 18%, ITC एलिजिबिलिटी इनपुट सर्विसेज एंड RCM इज कंपल्सरी। तो ये सारी डिटेल्स हमने एडिट करी, मॉडिफाई करी एंड सेव बटन प्रेस किया इस अकाउंट मास्टर को सेव करने के लिए। अभी तक हमने ऐड और मॉडिफाई ऑप्शन डिस्कस करी है। आप चाहें तो लिस्ट ऑफ अकाउंट मास्टर व्यू कर सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं। लिस्ट ऑप्शन में यदि हम गए अकाउंट के अंदर, तो यहाँ पे बिजी ने पूछा कि लिस्ट ऑफ अकाउंट्स आउटपुट ऑन स्क्रीन और प्रिंटर, यानी कि आप व्यू करना चाहते हैं या लिस्ट ऑफ अकाउंट्स प्रिंट करना चाहते हैं। एंड देन इज स्टैंडर्ड फॉर्मेट में, अल्फाबेटिकल कॉन्फिगरेबल या हायरार्किकल फॉर्मेट, जो भी फॉर्मेट में आपको व्यू करनी है या प्रिंट करनी है लिस्ट, वो आप यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। हमने स्टैंडर्ड फॉर्मेट सिलेक्ट किया। एंड देन ऑल अकाउंट्स के लिए लिस्ट प्रिंट करनी है या फिर किसी पर्टिकुलर अकाउंट ग्रुप के लिए, यहाँ पे हमने ऑल अकाउंट्स ऑप्शन सिलेक्ट किया। तो देखिए लिस्ट ऑफ अकाउंट्स जो है आपको स्क्रीन पे नजर आ रही है। यदि आप ग्रुप ऑफ अकाउंट्स ऑप्शन सिलेक्ट करते तो यहाँ पे आप जो है कोई पर्टिकुलर अकाउंट ग्रुप सिलेक्ट कर सकते हैं और उस अकाउंट ग्रुप के अंदर जितने भी अकाउंट्स कॉल करते हैं वो नजर आ जाएंगे आपको स्क्रीन पे। इसके बाद यदि हम कॉन्फिगरेबल अल्फाबेटिकल लिस्ट व्यू करते हैं, तो देखिए अल्फाबेटिकल ऑर्डर में आपको जो है ये लिस्ट नजर आ रही है। अब तक हमने अकाउंट को ऐड करना, मॉडिफाई करना और एग्जिस्टिंग अकाउंट मास्टर्स की लिस्ट करने के बारे में जाना है। अब हम आइटम मास्टर के बारे में डिस्कस करेंगे। आइटम, एज हमने पहले भी बताया, कोई भी आइटम या गुड्स जिनमें कि आप डील करते हैं, यानी कि आप उन्हें मैन्युफैक्चर करते हैं या सेल परचेज करते हैं, उसमें ट्रेड करते हैं, तो जो जो बेसिकली आइटम्स आप यूज करते हैं, रॉ मटेरियल, फिनिश गुड्स, वो आप यहाँ पे क्रिएट करेंगे। इसके लिए आइटम मास्टर में एड ऑप्शन में हम गए, आइटम का नेम हमने बताया एलियास, प्रिंट नेम एंड देन इज ग्रुप। यदि आपको ध्यान हो प्रीवियस चैप्टर में हमने रेफ्रिजरेटर एक आइटम ग्रुप क्रिएट किया था, यहाँ पे क्योंकि हमने आइटम ली है सोनी ब्राविया LED TV, तो यहीं पे हम F3 शॉर्टकट की यूज करके एक नया आइटम ग्रुप क्रिएट करेंगे। F3 शॉर्टकट की हमने प्रेस करी, आइटम ग्रुप मास्टर विंडो अपीयर हुई, जिसमें कि हमने टेलीविजन नाम से एक आइटम ग्रुप क्रिएट किया है एज अ प्राइमरी ग्रुप। उसके बाद हमने आइटम का यूनिट बताया कि ये आइटम जब भी सेल परचेज होगी तो क्या यूनिट में ये सेल परचेज होगी, हमने यहाँ पे पीसेस सिलेक्ट किया। ओपनिंग स्टॉक, यदि आपके पास कोई पड़ा है तो वो क्वांटिटी आप यहाँ पे स्पेसिफाई करेंगे एंड उस ओपनिंग स्टॉक की क्या वैल्यू है वो आप स्पेसिफाई करेंगे। इसके बाद आप आइटम का सेल्स प्राइस बताएंगे, यही सेल्स प्राइस ऑटोमेटिकली सेल्स वाउचर में पिक होकर आ जाएगा। यदि आपने आइटम प्राइसिंग मोड ले रखा है पिक फ्रॉम आइटम मास्टर, हमने वेरियस आइटम प्राइसिंग मोड डिस्कस करे थे प्रीवियस चैप्टर में। उसके बाद परचेज प्राइस आप आइटम का बताएंगे, MRP आइटम के बताएंगे एंड मिनिमम सेल्स प्राइस बताएंगे, यानी कि इस सेल प्राइस से बिलो यदि आप आइटम सेल करते हैं तो आपको एक वार्निंग मैसेज आ जाए। आपको ध्यान हो हमने वार्निंग अलार्म्स में ये डिस्कस भी किया था, मिनिमम सेल प्राइस जो आपने यहाँ पे स्पेसिफाई किया है, यदि इससे कम प्राइस पे आप इस आइटम को सेल करेंगे तो बिजी एक वार्निंग मैसेज शो कर देगा। इसके बाद आइटम की टैक्स कैटेगरी बताएंगे कि क्या टैक्स रेट अप्लाई होगा जब भी ये आइटम सेल या परचेज होगी एंड इस आइटम का HSN या SSC कोड GST के लिए क्या है। आप यहाँ पे देख सकते हैं टैक्स कैटेगरी सिलेक्ट करते ही टैक्स कैटेगरी में जो डिटेल्स थी वो यहाँ पे नजर आ रही है। कोई सेल डिस्काउंट है वो आप बता सकते हैं, आइटम का डिस्क्रिप्शन बता सकते हैं एंड सेल परचेज अकाउंट को आप इस आइटम के साथ टैग भी कर सकते हैं। सेव बटन प्रेस करेंगे इस आइटम मास्टर को सेव करने के लिए। इसके बाद हम एक और आइटम क्रिएट कर रहे हैं, यहाँ पे हमने आइटम का नाम प्रोफाइल किया है AMC ऑफ टेलीविजन। हालांकि थोड़ा सा आपको ये नाम अभी अजीब लग रहा होगा, लेकिन ये हमारी एक सर्विस आइटम है, यानी कि जिनका सर्विसेज का वर्क है, सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं
जैसे AMC सर्विस है, वह कंपनीज इस तरीके से आइटम क्रिएट कर सकते हैं। AMC ऑफ टेलीविजन ग्रुप लिया टेलीविजन एंड यूनिट हमने स्पेसिफाई किया नॉट एप्लीकेबल, यानी कि इसमें हमें यूनिट की रिक्वायरमेंट नहीं है। बेसिकली आपने ये बताया AMC करी है किसी एक टेलीविजन की, उसका पर्टिकुलर रेट बता दिया, क्वांटिटी की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी उसमें। टैक्स कैटेगरी हमने ली GST 18%, यानी कि 18% GST इस पे चार्ज होगा, SSC कोड बता सकते हैं। एंड देन देखिए एक ऑप्शन है डोंट मेंटेन स्टॉक बैलेंस, जो कि यस पे फ्रीज्ड है। आप चाहें भी तो इस ऑप्शन को चेंज नहीं कर सकते। यदि मैं इस ऑप्शन को चेंज करती हूँ तो देखिए बिजी ने एक मैसेज शो किया कि सिंस यूनिट इज सेट टू नॉट एप्लीकेबल यू कैनॉट मॉडिफाई डू नॉट मेंटेन स्टॉक वैल्यू टू फॉल्स, यानी कि यदि आपने यूनिट लिया है नॉट एप्लीकेबल तो आप इसका स्टॉक बैलेंस मेंटेन नहीं कर सकते। बेसिकली जब हमने यूनिट ही नहीं स्पेसिफाई किया, क्वांटिटी हम नहीं बता रहे हैं, तो हम उसका स्टॉक बैलेंस मेंटेन नहीं करेंगे। ये हमारी सर्विस आइटम थी। यदि आप सर्विसेज में डील करते हैं तो इस तरीके से आप आइटम क्रिएट कर सकते हैं एंड उनको ट्रांजैक्शंस में यूज कर सकते हैं। इस चैप्टर में हमने अकाउंट मास्टर क्रिएट करना मॉडिफाई करने के बारे में जाना, आइटम मास्टर क्रिएट करने के बारे में जाना। होप चैप्टर को देखने के बाद आप इजीली अकाउंट एंड आइटम मास्टर बिजी में क्रिएट कर पाएंगे। चैप्टर के एंड पे हमने कुछ एक्सरसाइज प्रोवाइड करी है, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं एक्सरसाइज एंड अटेम्प्ट कर सकते हैं। देखने के लिए धन्यवाद, और वीडियोस के लिए हमारे YouTube चैनल पर सब्सक्राइब करें।